शिवांशी गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना। सो आज के इस वीडियो में हम किसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला है। अब वो नोटिस है क्या, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल यानी कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से जो स्टडी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो काफ़ी लॉस में जा रही है, जिसकी वजह से स्कूल्स भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए सीबीएसई ने एक नया नोटिस निकाला है क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इस सर्कमस्टांसेस को देख के कि काश हमारा सिलेबस कम हो जाए या कुछ ऐसा रूल हो जो उनके फेवर में हो। तो मे बी आपकी सीबीएसई ने सुन ली है और क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11th की सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है या डिलीट हुआ है। क्लास 11th की बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें कि 22 चैप्टर्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें चैप्टर 1 में से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, जैसे कि पहला है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, दूसरा टॉपिक है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये टॉपिक इस चैप्टर पहले चैप्टर में से डिलीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो इसमें क्या डिलीट हुआ है, एंजियोस्पर्म के बारे में आपको नहीं पढ़ना और क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल, यानी कि जो पूरा एंजियोस्पर्म है उसके बारे में कुछ भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अब इस यूनिट में चैप्टर 2 और 4 आपको पूरा पढ़ना है, यानी कि उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में से कुछ चैप्टर्स डिटेक्ट हुए हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 5, इसमें क्या नहीं पढ़ना आपको, मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ने, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर, वो नहीं पढ़ने, रूट्स, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड सीड्स, इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ने, और फैमिलीज के जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए होते हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि ये वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब आपको पढ़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना, एनाटॉमी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब आपको नहीं पढ़ना। हालांकि चैप्टर का ही नाम एनाटॉमी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, और आपको ये ही नहीं पढ़ना है और ना ही इनके फंक्शंस के बारे में आपको जानने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कॉकरोच के जितने भी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, इन सब के बारे में अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस बनते थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस सेशन में आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें आपका चैप्टर 11 और 12 है। चैप्टर 11 यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसमें आपका काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट किया है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बिबिशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर एंड गुटेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन, सिम्प्लास्ट, ये थोड़ा सा हार्ड है अगर देखा जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिशन,
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, हाइपोथेसिस, ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक्स आपको बिल्कुल दिए ही नहीं हैं इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसमें असेंशियल मिनरल, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं ये बोल तो रही हूँ कि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इस सेशन में नहीं है, लेकिन आगे फर्दर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं या फिर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो चैप्टर हैं 8, 9, 10, इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें भी कुछ डिलीट हुआ है, जैसे कि सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट। अगला क्या, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। अगला और क्या डिलीट हुआ है, सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर आउट कर दिए गए हैं। चैप्टर 13 और 14 आपको पूरे पढ़ने हैं, इसमें से कोई डिलीट नहीं हुआ है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें भी काफ़ी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हॉर्मोन्स के बारे में, पेरिस्टलाइजिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इजेशन एंड न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, PEM, इनडाइजेशन, वोमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए। ऑलमोस्ट ये चैप्टर में ही कुछ नहीं बचा है। अब हम आते हैं चैप्टर 20 यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिलेरी, फ्लेजिला, मस्कुलर, ये सब गायब हो गए हैं। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, इनका भी अब कुछ अता पता नहीं है आपके सिलेबस में। और डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये भी नहीं है। ये सारे टॉपिक्स भी अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 21 यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी प्रेसिपिटेशन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ऑब्वियसली बच्चे तो खुश होंगे कि उनका सिलेबस कम हो गया, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, तो मार्किंग स्कीम उनकी अब अच्छी हो सकती है। लेकिन इसमें मेजर लॉस क्या है कि जो आपकी नॉलेज है वो भी 30% लेस हो जाएगी। तो अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जो 10th और 12th के बेस पे होगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब CBSE के हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट में से सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% सिर्फ 9th to 12th क्लास के बच्चों के लिए। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा सिलेबस के बारे में बताया है और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि 30% हर सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, CBSE की ऑफिशियल लिंक है। चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, हर सब्जेक्ट के बारे में उसमें मिल जाएगा आपको। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी आपको उस PDF में मिल जाएगा।